मिस्त्रियों से अभी हमने बात कर दी है और ईटे भी मंगानी है, सरिया मंगाना है कि कुछ दिनों के बाद मुझे भी ये सारी चीजें करनी है। कुछ लोग बोल रहे हैं ये बढ़िया है बल, कुछ लोग बोल रहे हैं खराब है बल। ताऊ जी मुझे बहुत सारे सजेशन दे रहे हैं कि क्या क्या चीजें हैं। सुबह सुबह बाहर के नज़ारे कुछ ऐसे हैं, ये नीचे हरे भरे गेहूं के खेत दिखाई दे रहे हैं, चारों तरफ पक्षियों की आवाज़ सुनाई दे रही है और यहाँ पर अभी धूप भी आ गई। चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से बहुत दिनों के बाद हम कल रांसे वाले घर में आए, क्योंकि आज रिंकी और नमीश जा रहे हैं अपने घर। और गाँव में आजकल धूप बहुत जल्दी आ जाती है, सुबह के 7 बज रहे हैं और धूप आ गई। अभी यहाँ पर कुछ और मिस्त्री आए हैं तो यहाँ पर रेट के बारे में पता कर रहे हैं, देखते हैं क्या कुछ फाइनल होता है। कमरा आएगा, लेटरिंग बाथरूम आएगा, ऐसे में बारह आएगा। अब जब पहले इस वाले घर पे प्लस्तर हुआ था तो ये भाई जी भी काम पे थे उस टाइम पे, अभी भी यहीं वो। मिस्त्रियों से अभी हमने बात कर दी है, उनको अपना प्लान भी बता दिया है, जगह भी बता दी है, क्या क्या हमें करना है, देखते हैं अगर वो तैयार होते हैं तो उसके बाद हमें और मटेरियल भी मंगाना है। यहाँ पर इतनी ईंट तो अभी हमने मंगा रखी है, इसके बाद और ईटे भी मंगानी है, सरिया मंगाना है। हो गया तैयार, आराम से जाना हुआ। माँ भी जा रही है अभी तरसाली वाले घर। रिंकी और नमीश को छोड़ने के लिए ताऊजी जा रहे हैं, मेरा थोड़ा सा यहाँ पर कुछ काम है, मैं थोड़ा लेट से ही जाऊंगा। वीडियो एडिटिंग का थोड़ा सा काम बचा हुआ था, चलो जी अभी वो भी पूरा हो गया है। घर में बहुत सारे मिस्त्री आ रहे हैं काम देखने के लिए, कोई किसी के पास टाइम नहीं है, कोई बोल रहा है कि बाद में देख लेंगे, और हमारी तरफ से अभी किसी के लिए कन्फर्म नहीं हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ पहाड़ी वाइकर का भी आजकल मकान का काम लगा हुआ है, एक बार वहाँ चलता हूँ, थोड़ा बहुत आइडिया वहाँ से भी आ जाएगा, हो सकता है वहाँ पर भी कोई मिस्त्री मिले तो उनसे भी बात कर लूंगा। अब यहाँ पर ऋतिक है तो ऋतिक भी मेरे साथ चलेगा। अभी यहाँ पर पुपू जी के यहाँ पे आए हैं, पुपू जी ने गर्मा गर्म चाय बना दी है। गांव में आजकल खूब कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है तो ऐसे में मिस्त्रियों का मिलना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए जब तक अच्छा मिस्त्री नहीं मिलता है तो हमारी भाग दौड़ भी लगी रहेगी। अब ये यहाँ से ठीक सामने दिखाई दे रहा है गिरिया मनसुना गांव। मैं प्रणाम। यहाँ पर मामी जी हैं, अभी खेत से सरसों लेके आ रही हैं। ये हैं ऋतिक की मम्मी। अब ये नाया नहीं थे। ये है जी राउलिंग मार्केट, यहाँ पर मैं अक्सर पहले रिसु को स्कूल छोड़ा करता था और ये यहाँ पे है रिसु की स्कूल। अब यहाँ से जो ये कच्ची सड़क है ठीक हमारे तरसाले वाले घर के नीचे जाती है, जो लकड़ी वाला पुल मैंने आपको कल वाली वीडियो में दिखाया वहाँ तक वो कच्ची सड़क जाती है। ये नीचे दिखाई दे रहा है मनसुना गांव और आजकल देखो चारों तरफ गजब की हरियाली दिखाई दे रही है। दिन के ठीक 12 बज रहे हैं, हम लोग मनसुना पहुंच गए हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ से आलोक का घर ज्यादा दूर नहीं है। और ये है जी मनसुना मार्केट। चलिए जी फाइनली पहुंच गए हैं पहाड़ी वाइकर आलोक राणा के घर में। ये आ रहा है सीधे छत से। आलोक का ये वाला घर बड़ी अच्छी लोकेशन पे है, यहाँ से सामने चौखमा बड़ा प्यारा लगता है। तो चलो अब थोड़ा सा छत में चलते हैं और थोड़ा बहुत काम भी देखते हैं। अब यहाँ पर ताऊजी हैं, ताऊजी भी अपने मकान की देखरेख में लगे हुए हैं, बहुत जरूरी है ये चीज़ जब भी मकान बनता है। बाकी एक और बात, मैंने भी यहीं मनसुना से पढ़ाई की है तो ताऊजी भी वहीं पर पढ़ाते हैं। तो मुझे लग रहा है ना बहुत सारी चीज़ें हमें देख कर भी उनका आइडिया आता है कि कौन सी चीज़ ठीक रहेगी। ताऊजी मुझे बहुत सारे सजेशन दे रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें घर पे लगानी है और किस कंपनी की लगानी है। अब पहाड़ी वाइकर ने यहाँ पे चाय बना दी। अब पहाड़ों में किसी के घर पे जाए और चाय ना मिले तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। दिन के लंच का टाइम भी हो गया है, आलोक भी यहाँ घर में अकेला ही है तो आज हम भी यहीं से लंच करके जाएंगे। और यहाँ पे हो रही है लंच बनाने की तैयारी। इतना बड़ा फूड ब्लॉग है ना। अब ऋतिक तो अंदर खाना बनाने पे लगा हुआ है, हम लोग यहाँ पर मस्त जो भी सामान है उसका एस्टिमेट लगा रहे हैं। आलोक ने तो पहले सामान मंगाया भी है और इसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है इस चीज का, तो वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। अब ऐसा ना कि दीपक का घर बनने वाला है,
ये बोला कि कैसे करना है, क्या रेट में पड़ रहा, तो लगे हुए हम इंस्ट्रूमेंट लगाने पे फोन पे। ऋतिक ने बनाया है कड़ी चावल और सारे भाई लोग देखो यहाँ पे बैठ गए हैं। अब यूट्यूबर का घर है, वहाँ पर सिल्वर प्ले बटन ना हो और साथ में यूट्यूब का लोगो ना हो, ये तो हो नहीं सकता। और साथ में यहाँ पे ड्रोन भी है। ड्रोन के लिए काफी टाइम से मैं भी सोच रहा था, बस सोच ही रहा हूँ, अब जल्दी से कुछ प्लानिंग करते हैं। वैसे ना दीपक को बहुत जरूरी है, वहाँ नजारे इतने बढ़िया है ना। तो है काचनी टॉप दिन में लंच करने के बाद सब लोग बैठे हुए थे, अभी शाम के 4 बज गए हैं और हम लोग बातें कर रहे थे जो इसके बाद हम ट्रैक करेंगे। अब ठीक सामने जो पहाड़ दिखाई दे रहा है, तो इस वाले पहाड़ पे हमने जाने की सोची थी। इसके टॉप में है बिसुड़ी ताल, जहाँ पर मैं लगभग आज से 2 साल पहले गया था, वहीं जाने का इस बार हमारा विचार था, लेकिन सबके कुछ न कुछ काम पड़े। ये ना जहाँ जाता है वहाँ हाथ पांव लगा के आता है। अब देखते हैं, हो सकता है कुछ दिनों के बाद हम एक छोटा सा ट्रैक करें। अब आज यहाँ पे आके बहुत चीजें पता लगी हैं, क्योंकि कुछ दिनों के बाद मुझे भी ये सारी चीजें करनी है और यहाँ पे जो भी चीजें लगी हैं उस चीजों का मैंने अच्छे से पता किया। अगर लेना है तो इन हिस्सों है स्टेनलेस स्टील से, आए तो लोहे की लगा दे। खासकर जो ये खिड़की दरवाजे की चौखटे हैं, इनके बारे में भी कुछ लोग बोल रहे हैं ये बढ़िया है, कुछ लोग बोल रहे खराब है। बल पंजाब चंडीगढ़ साइड ये ज्यादा चलती हैं। अब देखते हैं, हमने अभी लगा दी है तभी चलेगा, पर जब बाद में कुछ रिजल्ट निकलेगा। अभी शाम के 5 बज गए हैं, अब हमारे भी घर निकलने की तैयारी है और हो सकता है आलोक भी हमारे साथ ठीक सामने तक आए। और ये नीचे है मनसुना गांव। शाम के 5:45 हो रहे हैं, हम लोग भी निकल गए हैं मनसुना मार्केट से। बाकी आज के दिन का पता ही नहीं लगा, मस्त बैठे रहे सभी लोग, ढेर सारी बातें हुई क्योंकि काफी टाइम के बाद सबका मिलना हुआ। ये वाली रोड जाती है ऊपर बुरा गांव के लिए और वहीं से हमने बिसुड़ी ताल वाला ट्रैक किया था। देखते हैं फ्यूचर में फिर से प्लानिंग करेंगे वहां जाने की। कभी कभी किसी दिन टाइम कब बीतता है कुछ भी पता नहीं लगता है। देखो अंधेरा होने वाला है, 6 बज गए हैं और हम लोग सोच रहे हैं यहीं पास में एक दुकान है, वहाँ पर बैठकर मस्त चाय पियेंगे। क्यों तनु? अरे तनी यार खाल घूम गए। अब यहाँ पे जो ये छोटा बच्चा है ड्रोन देख के खुश हो गया, मेरे साथ ऐसे घुल मिल गया कि जैसे पहचानता हूँ। रुको जरा, अभी हम यहाँ पर चाय पीने के लिए रुके हुए थे और ये छोटा बच्चा ना ड्रोन उड़ाने की जिद कर रहा है। चलाना है नहीं चलता है वो। चलिए जी, बातों बातों में बहुत अंधेरा हो गया है, अब यहीं तक हमारा साथ है। आलोक निकलेगा अपने घर के लिए, हम भी निकलेंगे अपने घर के लिए। अब घर जाने के लिए तो अभी लेट हो गई है, तो आज हम रांची वाले घर में ही रुकेंगे। यहाँ पर मटर पनीर रख दिया है, मैं और ऋतिक आज साथ में ही है यहाँ पे। चलिए जी, अभी रात का खाना भी हो गया है, फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, बाय।